नमस्कार जोहार, मैं नूरुल इस्लाम, आप सभी को नूर नॉलेज मयूरभंज को स्वागत करता हूं। आज दूसरी एपिसोड है यूसीसी को लेते हुए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, जो अभी तक सूचना बाहर छटकर आई है, जो सबसे पहले आप नूर नॉलेज से सुनने पाएंगे। एक चीज है जिस पे ना कोई ट्राइबल, ना कोई मुस्लिम, ना कोई हिंदू, ना कोई जैन, सभी के लिए एक कानून तो बरोबर रहेगी, जिस कानून के बारे में आज मैं जिक्र करूंगा। टोटल इवैल्यूएशन के साथ, जिस इवैल्यूएशन को बेस करते हुए अभी लॉ कमीशन ने जो सूत्र हमारे पास आया है, ये आधिकारिक रूप में इसकी पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह जे ढंगरे आम पाखों को ये सूचना आसीची, कहा ऊपर भित्तिभूमि तैयारी करी गोटीए कानून, जो कानून समस्त सामान रहीबो से ट्राइबल मानंकु कोळो कोहोळो करा जीवो नाही, जिसमें किसी भी हिंदुस्तानी को जिस यूसीसी की एक लॉ सबसे पहले फाइनल हुआ है, जो सूत्र बताता है, वो होता है बच्चों की पढ़ने की उम्र और शादी की उम्र। हर कोई भारतवर्ष की बच्चों के लिए फिक्स रहेगी। ये चाहे किसी की परंपरा को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में आघात देता रहे। ये सबसे पहले ये राइट टू एजुकेशन में भी था और ह्यूमन राइट्स के अंदर भी था, लेकिन इसे स्ट्रांगली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था ड्यू टू पर्सनल लॉ। अब इस पर्सनल लॉ में लोगों की जो पर्सनल लॉ है, हर कम्युनिटी के पर्सनल लॉ को समाप्त करते हुए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया कि बच्चों की शादी की उम्र फिक्स कर दिया जाता है। इवैल्यूएशन कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तारित रूप में लेके जा रहा हूं, जो आपकी समझ में आएगी। थैंक यू टू यू ऑल यूट्यूबर, जिन लोग मुझे फॉलो करते हुए काम करते हैं, आप लोगों की कमेंट भी अच्छा लगता है, आप लोग मुझे देखते हैं, मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं आप लोगों से कुछ सीखता हूं। लीजिए आइए, टोटल पॉपुलेशन जो रहता है, उस टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल ट्राइब एवं शेड्यूल कास्ट, इन लोगों के बारे में पहले इवैल्यूएशन किया गया। जो मतामत लिए थे लॉ कमीशन ने, अभी बेस किया गया, हर धर्मगुरु का मतामत लिया गया, सभी का लिया गया। मुझे मालूम नहीं ट्राइबलों के अंदर धर्मगुरु कौन थे, किन्होंने रिप्रेजेंट किए, लेकिन अब आता हूं मैं ट्राइबल ओरिएंटेड। आप सभी हिंदुस्तानियों को, मयूरभंज जो सबसे ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट, मैं नूरुल इस्लाम कुछ डेटा आप लोगों को दे रहा हूं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ओडिशा 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से 4.2 करोड़ होता है टोटल ओडिशा की पॉपुलेशन। उसमें टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं वो 22.85% हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और शेड्यूल्ड कास्ट में जिन लोग हैं वो लोग हैं 17.13%। तो लीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब हम लोगों को जो नियम बनाने के लिए संविधान ने इजाजत दिया, उसमें से ओडिशा को अगर हम ले रहे हैं, तो ओडिशा में 30 डिस्ट्रिक्ट है। इन 30 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4.2 करोड़ पॉपुलेशन है। इसमें एसटी और एससी की पॉपुलेशन को डिवाइड करते हुए, अलग करते हुए एक ओडिशा से गया है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट होता है गंजाम। टोटल पॉपुलेशन 35.3 लाख अप्रॉक्स। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं, एसटी जो हैं, 3.4 ओनली, 35 लाख से 3.4 ओनली हैं एसटी, और एससी हैं उसमें सबसे ज्यादा 19.5%। ये गंजाम के बारे में बोल रहा हूं, गंजाम का टोटल पॉपुलेशन। कटक डिस्ट्रिक्ट को जब हम आ रहे हैं, 26.3 लाख अप्रॉक्स इसकी जनगणना है, और शेड्यूल ट्राइब एसटी यहां पर सिर्फ 3.6% है। अब आ जाते हैं मयूरभंज को। मयूरभंज की पॉपुलेशन आप अगर देखना चाहते हैं, 25.1 लाख अप्रॉक्स। इसमें शेड्यूल ट्राइब है 58.7%, यानी कि आधा से 8% ज्यादा, और यहां शेड्यूल कास्ट है ओनली 7.3%। मयूरभंज, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मयूरभंज ट्राइबल डोमिनेटेड इसलिए बोला जाता है कि यहां पर 58.7% शेड्यूल ट्राइब हैं। बालेश्वर का टोटल पॉपुलेशन है
23.2 लाख खोरदा डिस्ट्रिक्ट में। एसटी का पॉपुलेशन सिर्फ 5.1% रहता है सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के पास, एससी रहते हैं 9.2% ओनली। ते हैं जाजपुर डिस्ट्रिक्ट, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन 18.3 लाख। केंदुझर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग आगे आते हैं तो टोटल पॉपुलेशन 18 लाख्स रहने टाइम पे पूरी डिस्ट्रिक्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग है, 0.4% सिर्फ है बलांगीर डिस्ट्रिक्ट को, 16.5 लाख्स पॉपुलेशन है एसटी वहां पर है 28.5%। भद्रक डिस्ट्रिक्ट जो है वो 15 लाख्स अप्रोक्स यहाँ पर पॉपुलेशन है। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की वहां पर शेड्यूल ट्राइब है 19%। केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट एसटी की कैटेगरी मात्र 0.7%। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की पोपल 50.6% शेड्यूल ट्राइब है। अनुगुल डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ट्राइब जो है वो 14.1% सिर्फ है, 55.8% शेड्यूल ट्राइब नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ढेंकानल डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 12 लाख की है, वो 13.6% सिर्फ रहते हैं जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, 11.4 लाख। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट 56% शेड्यूल ट्राइब रहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल पॉपुलेशन होता है 9.6 लाख। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में टोटल पॉपुलेशन होता है 7.3 लाख। मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट जो भी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है वहां का पॉपुलेशन है 6.1 लाख। नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट यहां पर भी टोटल पॉपुलेशन 6.1 लाख है, शेड्यूल ट्राइब यहाँ पर 33.8% है। सुवर्णपुर डिस्ट्रिक्ट जो है 20 नंबर डिस्ट्रिक्ट है ओडिशा का, यहाँ पर जो शेड्यूल ट्राइब रहते हैं वो रहते हैं 9.4% ओनली। झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब रहते हैं 30.5%। गजपति डिस्ट्रिक्ट का टोटल पॉपुलेशन होता है 5.7 लाख और यहां पर ही सबसे ज्यादा 54.3% रहते हैं यहां पर लोग। बौद्ध डिस्ट्रिक्ट का टोटल पॉपुलेशन होता है 4.4 लाख अप्रोक्सीमेट, यहां पर शेड्यूल ट्राइब रहते हैं 12.5%। देवघर डिस्ट्रिक्ट एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर टोटल पॉपुलेशन होता है 3.1 लाख टोटल पॉपुलेशन, लेकिन यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब रहते हैं 35.3% शेड्यूल ट्राइब रहते हैं और शेड्यूल कास्ट रहते हैं 16.7%। ये होता है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट देवघर जहाँ पर पॉपुलेशन टोटल 3.1। अब आ जाते हैं हम लोग यूसीसी के मुद्दे में। यूसीसी जो चीज को यूनिफॉर्मली सभी के लिए एक समान रखना चाहता है वो बच्चियों और बच्चों की शादी की उम्र हर संप्रदाय हर किसी के लिए एक रखना चाहता है। यहाँ ना ट्राइबल के लिए कोहोड होगा, ना मुस्लिम के लिए, ना जैन के लिए, ना हिंदू के लिए, ना और किसी भी संप्रदाय के लिए शादी की उम्र फिक्स रहेगी। जैसे कि आप लोग, मैं बता दिया कि ओडिशा की टोटल पॉपुलेशन 4.2 करोड़ हैं, यहाँ पर 22.85% शेड्यूल ट्राइब रहते हैं और शेड्यूल कास्ट 17.13% ओनली रहते हैं। इसलिए ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट को भी ये यूसीसी का इस क्लॉज को लाने में कोई समस्या नहीं होगी। समाज में बच्चों की शादी की उम्र अगर फिक्स हो जाती है तो बच्चे एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक का पढ़ पाएंगे, पढ़ने की सारी सुविधा दिया गया है, कानूनी तौर से राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए है। लेकिन काफी तौर से आप लोग देखे होंगे, बीए जर्नलिस्ट मैंने देखा है, बच्चे ट्राइबल बच्चे, मुस्लिम बच्चे और सारी जो बच्चे हैं उन लोगों को बहुत ही कम उम्र में शादी कर दिया जाता था इसी सिविल लॉ के बहाने से। ऐसे तो कानून था 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ पर्सनल लॉ ने उन लोगों को इजाजत दिया था के छोटी बच्चों को शादी करना। लेकिन यह धर्तव्य अपराध में था, कोर्ट तक पहुंचते ही यह कोर्ट कंफ्यूज होता था और अब यह कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सभी को एक उम्र में शादी करना है और एक शादी करना है और बच्चों की शादी की उम्र फिक्स रहेगी। राइट टू एजुकेशन के लॉ के अनुसार
सरकार जो सारी एसटी एससी ओबीसी या जिन लोग माइनॉरिटी ग्रुप में सोसाइटी में अपलिफ्ट नहीं हो पाए हैं उनके लिए और एक कानून बनाते हुए उन लोगों को सुविधा सुजग दिया जाएगा। अगर कोई आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि एसटी के अधिकार को छीन लिया जाएगा, ये गलत बात है। अगर किसी रोज आप लोगों को ये सुनाई दिया तब आप मुझे जरूर बोलिएगा। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म में ये मेरी बातें युग युग तक रहेगी। आप लोग यूसीसी को समझें, जो आपकी परंपरा को, जो आपकी अपनी निजी जिंदगी को अगर किसी भी तरह का कोई आघात लाएगा तो प्रोटेस्ट करने में सबसे पहले मैं खड़ा होऊंगा। हुल जोहार।